गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं अपने गृह जनपद गोरखपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत रात्रि विश्राम करेंगे गोरखनाथ मंदिर में। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने सभी जनपद वासियों से किया कर बद्ध निवेदन। कहा, बरते सावधानी, रहें सतर्क, मास्क के साथ 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। रैपिड रिस्पांस टीम से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने किया वर्चुअल मीटिंग। कोरोना से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। कहा, बनाए रखे नजर, न होने पाए कोई लापरवाही। चोरी गए चीनी व ट्रक सहित 2 अभियुक्तों को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेष बची लगभग 6 लाख की 317 बोरी चीनी तथा 1,16,000 रुपए किए बरामद। सीओ खजनी ने किया खुलासा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेड के अस्पताल में 100 बेडों पर होगा कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज। डीएम ने कहा, 26 अगस्त से शुरू होगा अस्पताल। मंदिरों में सिर्फ पुजारी पूजा करेंगे और मनाएंगे जन्माष्टमी। मंदिरों, पुलिस लाइन तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पर समूह में नहीं होंगे कार्यक्रम। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गृहस्थों से की गुजारिश। कहा, अपने अपने घरों में राधा कृष्ण की सजाए झांकियां और मनाए जन्माष्टमी। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी ODF प्लस ट्रेनिंग कोर्स का किया गया लॉन्चिंग। CDO और DPRO रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम गतिविधियों पर लगाया गया 55 घंटे का प्रतिबंध सोमवार की सुबह 5 बजे हुआ समाप्त। लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को लौटाया वापस। उत्तर प्रदेश में खराब गुणवत्ता की बाहर से मछलियां लाकर बेचे जाने का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। दिया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश को कार्रवाई करने का आदेश। अनुपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने सोमवार को तहसील सजनवा फिश किंग रेस्टोरेंट का किया औचक निरीक्षण। कहा, जाँच आगे भी रहेगी जारी। SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में HTU और बाल कल्याण प्रभारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से कराया गया अवगत। कहा, न की जाए किसी भी प्रकार की बदसलूकी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पंचायती राज के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जल निकासी की व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, बीमारियों से बचने के लिए कराया जा रहा छिड़काव। पंपिंग सेट लगाकर कराई जा रही है जल निकासी। गोरखपुर में सोमवार को मिले नए 235 कोरोना मरीज। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3,879। अब तक 69 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस की संख्या हुई 1,835। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। खोराबार विकास खंड के लहसड़ी में बनाए जा रहे शौचालय निर्माण का DPRO ने किया निरीक्षण। कहा, जल्द सभी कार्यों को कर लिया जाएगा पूरा। लॉकडाउन की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर दुकानों पर बिक्री रही फीकी। दुकानदारों में देखी गई मायूसी। महवा मंडी में कोरोना की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापारियों का कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, 3 दिनों में पूरी कर ली जाएगी सभी व्यापारियों की जांच की प्रक्रिया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति ऑडियो कैसेट चिट्ठियां का DPRO ने किया लोकार्पण। कहा, देश के फौजियों की मनोदशा को प्रदर्शित करता है ये एल्बम। और 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर दिखी चहल पहल। SP City ने कहा, लोग ना करें लापरवाही। आरोग्य सेतु ऐप्स एवं मास्क का करें प्रयोग।